हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक्स आइडियाज, जहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस एंड उनके प्रोडक्ट्स पर हम बात करते हैं, ताकि उन्हें देख के हम सीख सकें कि किस किस तरह के प्रोडक्ट्स एंड आइडियाज पॉसिबल हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर कीबोर्ड्स के बारे में। अगर किसी को नहीं पता कीबोर्ड क्या होता है, तो आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, कीबोर्ड एक ऐसा डिवाइस है जो कि कंप्यूटर में इनपुट्स प्रोवाइड करने में काम आता है। कोई कंप्यूटर नहीं है जो कि विदाउट कीबोर्ड के वर्क करता हो। कुछ कंपनीज ऐसी है जो कंप्यूटर लैपटॉप्स दोनों बनाती हैं, और साथ साथ उनकी एसेसरीज जैसे कि कीबोर्ड भी साथ में मैन्युफैक्चर करती हैं, जैसे कि HP, डेल, एप्पल, लिनोवो, माइक्रोसॉफ्ट। बट कुछ कंपनीज ऐसे भी हैं जो कि कंप्यूटर्स वगैरह नहीं बनाती, बट ओनली कीबोर्ड के एरिया में ही काम करते हैं, जैसे कि लोगीटेक, जेब्रोनिक्स, आईबेल, रेजर। लेकिन अगर मैं बात करूँ कीबोर्ड के बिजनेस के बारे में, कीबोर्ड बिजनेस की पॉसिबिलिटीज के बारे में, कि अगर आप कुछ भी कीबोर्ड में चेंजेस वगैरह करते हो, कीबोर्ड को थोड़ा इम्प्रूव करते हो, तो कितने लोगों को इफेक्ट करेगा? जितने नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं, उतने ही आपके पोटेंशियल कस्टमर्स भी हैं। आप ये स्क्रीनशॉट्स देख सकते हैं जो कि मैंने किकस्टार्टर पे जो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि सिर्फ कीबोर्ड से रिलेटेड थे, उनके स्क्रीनशॉट्स मैंने आपके साथ शेयर किए कि उन्होंने कितना पैसा कलेक्ट किया। अगर हम टाइप ऑफ कीबोर्ड्स के बारे में बात करें, तो वायर्ड कीबोर्ड्स होते हैं, वायरलेस कीबोर्ड्स होते हैं, USB कीबोर्ड्स होते हैं, ब्लूटूथ कीबोर्ड्स होते हैं, एंड कीबोर्ड जो कि टचपैड के साथ आते हैं। अगर हम बात करें कि बेसिक फीचर्स जो अगर आप कोई कीबोर्ड खरीद रहे हैं तो उसमें आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, वो हैं कि फर्स्ट इसमें LED लाइट होती है, सेकेंड कंपेटेबल होता है विंडोज़ एंड मैक के साथ, हम उसमें कीज़ को स्विच कर सकते हैं, जैसे कि मुझे S को A की जगह लगाना है और A को S की जगह, तो वो आप कर सकते हैं। और एक चीज़ ऑप्शनल होती है, कुछ कीबोर्ड्स में नमपैड होता है, कुछ में नहीं होता। अब अगर हम बैठ के सोचें कि यार हम क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें चेंजेस कर सकते हैं, क्या क्या आइडियाज अप्लाई कर सकते हैं कीबोर्ड्स में, ताकि हम कीबोर्ड्स की फील्ड में एक अच्छा खासा बिजनेस बिल्डअप कर सकें, तो उसे सोचने से पहले जस्ट हम ये सोचेंगे कि किस किस टाइप के कीबोर्ड्स पहले से अवेलेबल हैं, क्या क्या उनमें अलग अलग फीचर्स हैं, क्या क्या हम चेंजेस कर सकते हैं। तो अगर हम सिंपल आइडियाज के बारे में बात करें जो कीबोर्ड में बिल्डअप कर सकते हैं, वो है फर्स्ट कि हम उस कीबोर्ड के अल्फाबेट्स की फॉन्ट साइज या फिर उनकी स्टाइल फिर कलर चेंज कर सकते हैं। सेकेंड आइडिया कि हम एक नए टाइप का कीबोर्ड जनरेट कर सकते हैं जिसमें जो स्पेस बार की साइज है उसको हम रिड्यूस कर देंगे। हम क्या करेंगे, एक स्पेस बार को 3 टाइप के स्पेस बार में डिवाइड कर देंगे, कोडर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा। थर्ड आइडिया यार, हम एक ऐसा ब्लूटूथ कीबोर्ड जो एक टाइम पे एक से ज़्यादा डिवाइसेस के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। फोर्थ, हम एक ऐसा कीबोर्ड बना सकते हैं जिसे हम वायरलेस और वायर्ड दोनों सिचुएशन के साथ यूज में ले सकते हैं। फिफ्थ, हम एक ऐसा वायरलेस कीबोर्ड बना सकते हैं जो कि रिचार्जेबल हो, और हम इससे भी एक स्टेप फर्दर जा सकते हैं, एक ऐसा कीबोर्ड तैयार कर सकते हैं जो कि सोलर चार्जेबल हो। सिक्स्थ, हम कीबोर्ड की लुक और फील को चेंज कर सकते हैं। तो ये कुछ सिंपल आइडियाज थे जो कि पहले से एग्जिस्ट करते हैं, इन्हें कोई ना कोई एग्जीक्यूट कर चुका है। अब अगर हम एक लेवल ऊपर जाएं और थोड़े गुड आइडियाज़ के बारे में बात करें, फर्स्ट, हर कीबोर्ड या तो मेटल से बना होता है या फिर प्लास्टिक से, तो क्यों ना यार हम लकड़ी से बनाने का ट्राई करें कीबोर्ड। दूसरा कि क्यों ना यार हम एक वाटर रेजिस्टेंट कीबोर्ड बनाएं। तीसरा यार, हर कीबोर्ड ब्लैक कलर या फिर वाइट कलर से होता है, तो यार क्यों ना हम एक ट्रांसपेरेंट कीबोर्ड बनाने की ट्राई करें। फोर्थ, हर कीबोर्ड एक रिजिड होता है, उसको हम फोल्ड नहीं कर सकते, क्यों ना यार हम इसी आइडिया पे काम करें कि यार एक ऐसा कीबोर्ड बनाएं जो कि फोल्डेबल हो। फिफ्थ, जैसे फोन्स में फिंगरप्रिंट सेंसर होता है,
जिन्हें हम कीबोर्ड में फिंगरप्रिंट सेंसर लगाएं ताकि हम फिंगरप्रिंट के थ्रू अपने लैपटॉप या पीसी को अनलॉक कर सकें। नेक्स्ट आइडिया, क्यों ना यार हम कीबोर्ड को किसी अदर थिंग्स के साथ कंबाइन करें। फॉर एग्जांपल, क्यों ना हम कीबोर्ड को पियानो के साथ कंबाइन कर लें, जो कि म्यूजिक लवर एंड क्रिएटर्स के लिए काफ़ी अच्छा होगा। या फिर क्यों ना यार हम माउस, कीबोर्ड एंड जॉकी तीनों को कंबाइन कर लें और एक नए टाइप का कीबोर्ड जनरेट करें, जो कि ट्राई किया है किंग्स असेंबली ने। नेक्स्ट आइडिया, क्यों ना यार हम एक ऐसा कीबोर्ड क्रिएट करें जिसमें कि आपको कोई भी वर्डिंग दिखाई नहीं देगी जब तक कि आप किसी की को क्लिक नहीं करोगे। जैसे ही आप क्लिक करोगे एलईडी लाइट जलेंगी, जिसकी वजह से आपको हर की पे रिस्पेक्टिव लेटर दिखाई देने लग जाएगी। अब अगर हम बात करें ऐसे आइडियाज की जो कि कीबोर्ड की बेटर एर्गोनॉमिक्स के लिए होंगे। बेसिकली एर्गोनॉमिक्स का मतलब है कि आपके हाथों में कीबोर्ड को यूज में लेते वक्त कम से कम स्ट्रेन हो। फर्स्ट आइडिया कि यार क्यों ना हम कीबोर्ड को स्प्लिट कर दें हाफ, ताकि हम उनको एक एंगल पे रख सकें और आसानी से टाइप कर सकें, कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट आइडिया, जब भी आप कोई फुल कीबोर्ड देखोगे तो उसमें नम पैड आपके राइट हैंड साइड में होता है, जो कि राइट हैंड यूजर्स के लिए बेस्ट है। बट अगर हम बात करें कि लेफ्ट हैंड यूजर्स के लिए, तो उन्हें नम पैड यूज में लेने में काफ़ी दिक्कत आती है। तो क्यों ना हम एक ऐसा कीबोर्ड बनाएं जिसमें नमपैड को डिटैच किया जा सकता है, लेफ्ट या राइट दोनों में से किसी भी साइड में जोड़ा जा सकता है अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। नेक्स्ट आइडिया कि क्यों ना यार हम एक कर्व्ड कीबोर्ड बनाएं फॉर बेटर एर्गोनॉमिक्स। नेक्स्ट आइडिया, क्यों ना यार हम माउस एंड कीबोर्ड को कुछ इस तरीके से कंबाइन करें, डिज़ाइन काफ़ी अच्छी लगी मुझे। नेक्स्ट आइडिया है गेमर्स के लिए। गेमर्स मोस्टली कीबोर्ड के लेफ्ट साइड के कीज़ को काफ़ी ज़्यादा यूज में लेते हैं, तो क्यों ना एक ऐसा कीबोर्ड क्रिएट किया जाए जो कि कीबोर्ड के लेफ्ट साइड को ही रखता हो, साथ में कुछ एक सॉफ्ट कीज़ के साथ, ताकि आपको बेस्ट गेमिंग एक्सपीरियंस मिल सके। तो ये कुछ आइडियाज़ थे जो कि बेटर अर्गोनॉमिक्स के लिए थे। और अब अगर हम एक लेवल और ऊपर जाएँ और क्रिएटिव आइडियाज़ के बारे में बात करें, तो वो है फर्स्ट यार एक कोडेड कीबोर्ड होता है। कोडेड कीबोर्ड बेसिकली एक ऐसा कीबोर्ड होता है जिसमें कीज़ नंबर ऑफ कीज़ काफ़ी कम होती है, और आप इन कीज़ के कॉम्बिनेशन के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स जनरेट करते हैं। जैसे कि ये कोडेड कीबोर्ड है जिसके थ्रू टाइपिंग की जा रही है। अब अगर हम नेक्स्ट आइडिया के बारे में बात करें, एक नए टाइप के कीबोर्ड्स डिफाइन किए गए हैं जिसका नाम है वर्चुअल कीबोर्ड, जिसमें आप टाइपिंग कुछ इस तरीके से करते हैं। नेक्स्ट क्रिएटिव आइडिया की बात करें, तो एक ऐसा कीबोर्ड है जिसका नाम है डास कीबोर्ड। इसमें बेसिकली आप अपने कीबोर्ड को आरजीबी लाइटिंग की मदद से एक डैशबोर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। बेसिकली अगर आप चाहते हो कि जब भी आपको बॉस के थ्रू मेल आए, तो आपको नोटिफिकेशन आने की बजाय आपके कीबोर्ड के थ्रू पता चल जाए, तो उसके लिए आप डैश कीबोर्ड को यूज में ले सकते हैं। इसमें आप असाइन करोगे एक बटन को वो टास्क, और अगर वो टास्क परफॉर्म हो गया तो आपके बटन का जो की का कलर है वो चेंज हो जाएगा, और वो कलर किस में चेंज होगा वो आप खुद डिफाइन करोगे। तो इस तरीके से आप हर कीवर्ड को कुछ ना कुछ असाइन कर सकते हो। नेक्स्ट आइडिया, एक ऐसे टाइप का कीबोर्ड भी एग्जिस्ट करता है जिसका नाम है एयर टाइप कीबोर्ड्स। अब ये मैंने जितने भी आइडियाज आपको बताए, सिंपल आइडियाज, क्रिएटिव आइडिया, गुड आइडियाज, ये सारे के सारे इम्प्लीमेंट हो चुके हैं, और इनके मोस्ट ऑफ द कीबोर्ड्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आपको खरीदने में इंटरेस्ट हो तो इनको। और अगर आपके पास भी कुछ कोई क्रिएटिव आइडिया है जो मेरे से छूट गया हो बताना, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। इस वीडियो में बस इतना ही, जहाँ पे हम जो एग्जिस्टिंग कीबोर्ड्स हैं, जो एग्जिस्टिंग कीबोर्ड के बिजनेस हैं, उनके बारे में अपन ने बात की है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। सब्सक्राइब टू माई चैनल।